हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के ग्राम पंचायत बदायणी के गांव जमियाट में दशकों से सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने पर आज दिन तक कार्रवाई न होने पर लोगों में गहरा रोष है। हालांकि मामला जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ध्यान में भी रहा है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई न होने पर सवाले निशान बना हुआ है। आपको बता दें कि 84 कनाल दो मरले की सरकारी भूमि पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किए जाने के साथ रास्ता तक नहीं दिए जाने से ग्रामीण परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि घरों के लिए सामान तक ले जाने के लिए भी लोग रास्ता नहीं देते हैं, जिस कारण लोगों के मकान भी रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। गाँव झमियाट में लोगों को सुविधा नहीं होने से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के अलावा नेताओं के पास भी लोग फरियाद सुनाकर थक चुके हैं। कुछ लोगों की वजह से सड़क तो दूर की बात है, आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग अपनी दिनचर्या के काम भी निपटाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से आवाजाही करते हैं। जमियाट गांव के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा को हटाने की मांग के साथ सड़क सुविधा दिए जाने की भी सरकार से गुहार लगाई है। ग्रामीण का कहना है कि गांव वालों के लिए सड़क की सुविधा नहीं है और पूरे गांव में बीपीएल परिवार ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। वहीं गांव में सरकारी भूमि पर कुछ परिवारों का कब्जा है, जो कि दूसरे परिवारों को रास्ता तक नहीं दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि सरकारी श्यामला जगह पर कब्जा किए जाने के अलावा लोग इस जगह से आने जाने तक नहीं देते हैं, जिस कारण एक दर्जन घरों को रास्ता तक नहीं मिल पाता है। उन्होंने बताया कि सरकारी जगह पर से कब्जा हटाया जाना चाहिए। वार्ड सदस्य रतन सिंह ने बताया कि लोगों को आवाजाही करने के लिए समस्या पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को रास्ता तक नहीं है, जिस कारण लोग जंगल के रास्ते से आवाजाही करते हैं। महिलाओं ने बताया कि सरकारी भूमि पर जाने से भी गांव के कुछ लोग जाने से मना करते हैं, और अगर कभी कोई जाता है तो जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिस कारण हर वक्त खतरा बना रहता है। युवती रुचि शर्मा ने बताया कि गांव के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और दूसरे लोगों को सरकारी भूमि में जाने तक नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गांव में मकान बनाने शुरू किया है, लेकिन रास्ते की वजह से आज दिन तक काम पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा के लिए भी सरकारी भूमि के साथ जमीन नहीं दिए जाने से सड़क नहीं बन पा रही है, जिस कारण लोगों को जंगल के रास्ते से आना जाना पड़ता है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बधाणी के जमियाट गांव में दशकों से सरकारी श्यामला जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जयराम से भी मामले को लेकर ग्रामीणों ने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकारी श्यामला भूमि पर सरकार अपने कब्जे में ले, ताकि सालों से बनी समस्या का निवारण हो सके। देश की आन बान तिरंगा हमीरपुर में बदहाल हालत में है, और एक साल में चौथी बार तिरंगा के फटने से देशभक्तों में गहरा रोष पनप रहा है। बार बार तिरंगा के फटने से जिला प्रशासन के द्वारा तिरंगा में घटिया कपड़ा लगाने के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में लगाए हुए 134 फीट ऊंचे तिरंगा कुछ दिनों से फटा हुआ लहरा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन को कानों कान खबर नहीं है।
वही फटे हुए तिरंगा को लहराने के बारे में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा को पूछा गया तो उन्होंने तिरंगा फटने के लिए तेज हवा का चलना बताया है। उपायुक्त ने कहा कि तिरंगा के कपड़े में क्वालिटी ठीक रखी गई है, लेकिन हवा के तेज चलने से तिरंगा फट रहा है। उधर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि बाल स्कूल मैदान में तिरंगा सही जगह पर लगाया गया है और बाल स्कूल में लगाए गए झंडे के फटने की जानकारी नहीं थी और इस बारे में उपायुक्त से बात करके शिमला में लगाए गए झंडे की तरह यहां पर भी झंडा ज्यादा दिन चले।